तुम लोग हिलाओगे गिर जाएगा, इसलिए हिलाओ मत, ना हिलाओगे नहीं गिरेगा। तुम लोग आधा काल तो हिला के गिरा देते हो सारा बक्स को, अब आप लोग हिलाओगे गिरेगा। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई हिलाएगा नहीं, क्योंकि कुछ भी हमें कुछ भी हिलाने से गिर ही जाता है। कितना भी बड़ा पेड़ क्यों हुआ होता सदी मिल के हिला देने तो गिर जाएगा। आप लोग समझ ही सकते हो कि हिलाने से गिरता है। अब आप लोग तो भाई समझदार लोग हो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी लंबा लंबा खंबा है हिलाओ मत, नहीं तो गिर जाएगा, क्योंकि उस पर बॉक्स है। ठीक है, मुझे लगता है कि तीन चार साल बाद में अपने सामने अध्यक्ष जी के बोल रहे हैं। ए हेलो, रुको ना यार, हमरे को बोले तो तू बाद में बोल ली हा। वही हो रही है तारा गला से का भी बैठा वाला देख, तू ले ना बोल, हम सबका के बैठा दे, बैठा ना उतारा के देख, थोड़ी है भाई खेसरिया के देखे बड़ा सब बेचारा। बैठ जा सर भाई, बैठो रे, जा जा चलते हुआ बैठ आज खेसारी का इतना बड़ा सौभाग्य है कि देखिए लोग अपने काम के लिए कभी छाजी छत पे नहीं चढ़ पाते हैं, देखिए टावर रोड में तुम्हारा भूखंडा एक नंबर और ऊपर चल जाए नीले नेटवर्क में ली ओकरा बाद ये सोनी भी कर ली और लेकिन तो बात है तारा ना तो मुझे बात कर ले भैया आज बड़ा कर ले खाता एगो काम करो सीढ़ी लगा के और ऊपर मत चल जाओ, ओकरा बाद हम खुद भगवान से बोले लगे भी चलो भगवान ही कहिए। एक बात की होला मन हम नीचे से लड़की लौकर के चल रहे दूरबीन लगा रहे होने उतार तो रे 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 उतार तो रे कब लगला उतार ना उतार जीवे तो ते उतार जीवे। मुझे लगता है कि चार साल बाद मैं अपने सामने के अक्षरा जी को देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि लगातार यही काम में रहती है, दो काम में रहती है, दो साल तक कोरोना ले रही। कोरोना के बाद नहीं मिले हैं आप? मिला है लेकिन बोलो चूर, बोलो चूर। मिला है लेकिन हम प्राइवेट में न मिले हैं, कभी पार्टी में मिल गए तो वह 20 आदमी का पार्टी होता है, कभी फंक्शन में मिल गए तो वह 40 आदमी होता है। अब आज 5 लाख पब्लिक में तो पहली बार मिले हैं ना, ये लोग ये सब लड़के तो अपने भरजाई को 4 साल बाद देख रहे हैं ना। जॉन भी लेगी मंच पे आ रही है सर, सबके भौजाइये हुई। देखिए थोड़ी देर के लिए तो आप इनकी भौजाइये है, गलत हो कि सही हो हमको रोक लीजिए, इनको कैसे रोक लेगा। इस दुनिया में सबसे पता है कि वे शादी शुदा हो मेरे दो बच्चे, लेकिन उसके बावजूद भी सिनेमा में हीरोइन के मांग में सिंदूर डालता हूं ना, सिनेमा में सुहाग रख मनाता हूं ना, गर्भी तो लड़के हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, वो अलग मैटर है कि दिखाया नहीं जाता है कि कहां से निकला है अलग है, लेकिन लड़को होता है, विवाह होता है, सुहाग रात होता है, पति पत्नी का प्यार भी दिखाते हैं हम लोग। अभी एक मेरा सिनेमा रिलीज होने वाला है, बोल राजा बोल, उसमें उसमें बहुत खूबसूरत गाना है कि बात की पागल के पता हमारा पर देखो तो कनियो लगा बजाई, खाली हमारा पर नजर रखा।
पीछे बोलते भी भजनी से आजा चल मैं लगे खाली नजर ऐतिहासिक गाना मेरा अक्षरा जी का और बादशाह का अक्षरा जी एक ऐसी आर्टिस्ट है, ये मेरी गुरु भी है। मेरे से पहले इन्होंने सिनेमा में आया, मेरी से उम्र में भी बड़ी है, सिनेमा में भी बड़ी है, अनुभव में भी बड़ी है। उम्र में बड़ा नहीं जी, उम्र में बड़े नहीं है, ज्यादा तेज मत बनिए आप। मैं उनसे डांस भी सीखा, क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, दोस्त हुई और शायद आजीवन दोस्त रहेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है दूसरे से, किसके साथ झगड़ा तगड़ा नहीं होता। तब इनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी तो हम लड़ गए, हमारी बात इनको अच्छी नहीं लगी तो ये लड़ गए। तो होता है, सबको अपनी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें हमारे पीछे दूरियां थी। लेकिन जब हम मिले तो इतिहास की तरफ गए, और एक अद्भुत आर्टिस्ट है, इनके साथ जो भी इंसान काम करता है इनके रूप में ढल जाता है। और आज इनको किसी की जरूरत नहीं है, की सारी दल अपनी जगह पे बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन आज अक्षरा जी भी अपनी जगह पे बहुत बड़ी है। और हर आर्टिस्ट अपने जगह पे बड़ा ही होता है। और अक्षरा को ये भी कहा जाता है कि भाई पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी है। तो शेरनी के मतलब ये होता है कि किसी का बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि जिसको काम आता है वो किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों बर्दाश्त करेगा जब आता ही है भाई, तो उससे ज्यादा हम जानते हैं तो बर्दाश्त क्यों करेगा। तो वो चीजें हैं। तो अक्षरा जी के नाम पे एक जोरदार आप सब ताली जरूर बजाइए। और एक औरत का सम्मान है, और आज के डेट में पूरे बिहार यूपी झारखंड के लड़कियों की एक्सप्रेशन है ये। लड़कियां इनको अपने आइकॉन मानती है, विनोदों का बहुत है, लेकिन दयनीय सीजन इस बिहार और झारखंड यूपी की है, जिनको लड़कियां अपनी आइकॉन मानती है, जिनकी तरह बनने की कोशिश करती है। तो मेरी शुभकामना है अक्षरा जी आपके लिए कि ऐसे ही आप पूरी दुनिया का, अभी तो सिर्फ तीन राज्य की बनी है आइकॉन, मुझे नहीं चाहता है कि पूरे 140 करोड़ जनता की आइकॉन बने आप। मेरी शुभकामना, आई लव यू। हमारा लव यू बहुत पसंद आ रहा है, हमारा लव यू कीड़ा पुरंबा का, मैंने हमारे किरदार का। कोई नहीं, आज आप भी इन्हीं से प्यार करते हैं, हम भी इन्हीं से प्यार करते हैं, हमारा अस्तित्व इन्हीं की वजह से है। अगर आज ये मोहब्बत नहीं की होती तो शायद आज भी खेसरिया भविष्य चराता होता। आपकी मोहब्बत ही है ये खेसारी को। हाँ भाई भी कुछ बगानी से होकर बाद भोजपुरी के कोई जानते नहीं थे, टैलेंट रहता नहीं भाई। ऐसा नहीं है, हमारे भोजपुरी के बहुत सारा टैलेंट है, बहुत लोगों के पास हुनर है, लेकिन सब आप सबका प्यार है, हर आदमी को आगे बढ़ाना है आप सबके मोहब्बत करके। थैंक यू सो मच। चलिए दीपावली हम क्यों मनाते हैं, और दीपावली के शुभ अवसर पे, हाँ मुझे भी प्रॉब्लम लग रहा है, बाहर आवाज नहीं जा रही है, तो थोड़ा सा देख लीजिए ऑपरेटर साहब। लक्ष्मी पूजा समिति चमारतु जाओ जाओ, थोड़ा सा इधर चुनाव मत दीजिए ना इधर को। अक्षरा जी, अक्षरा जी उधर मत दीजिएगा ना, तो कई को कूद के जान दे देगा। इधर दे दीजिए, इधर नहीं तो कई को इधर दे, मतलब खराब कर रहे हैं सर।
हवाई इधर है। आई तो राम जी की बात है, हम दीपावली